मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से किया गया, जिसका सजीव प्रसारण देखा गया। इसी क्रम में कार्यक्रम का आयोजन जनपद स्तर पर एनेक्सी भवन सभागार में सर्किट हाउस में किया गया, जिसमें समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने हाईस्कूल एवं इंटर की बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर जनपद में कीर्तिमान स्थापित करने वाली 16 छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म लेते ही पंजीकृत 21 तथा 1 वर्ष से ऊपर की बच्चियां जिनका टीकाकरण कराया गया है, ऐसे 7 बच्चियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर समाज कल्याण मंत्री प्रभारी मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा कि महिला सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है और उसके दृष्टिगत ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लखनऊ से शुभारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना तथा बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सुविधा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पात्रता पर विस्तार डालते हुए बताया कि लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये हो। उन्होंने बताया कि प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म होने पर 2000 रुपये एक मुश्त, द्वितीय श्रेणी में बालिका के 1 वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 1000 रुपये, तृतीय श्रेणी में कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2000 रुपये, चतुर्थ श्रेणी में कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2000 रुपये, पंचम श्रेणी में कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 3000 रुपये तथा षष्ठम श्रेणी में ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 2 वर्षीय या अधिक अवधि में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो 5000 रुपये एक मुश्त की धनराशि उपलब्ध होगी। प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना संबंधी गाइडलाइन के अनुसार समय सीमा के अंतर्गत नामांकन सहित अन्य कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सूचना विभाग द्वारा LID वैन के माध्यम से प्रसारण कराने के साथ ही विकास खंडों में प्रचार सहित का वितरण भी कराया गया। इस अवसर पर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, संत प्रसाद, संगीता यादव, शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह, राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, राज्य महिला आयोग सदस्य निर्मला द्विवेदी, राजेश त्रिपाठी, ईपी इंजीनियर PK मल, सांसद प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह, मंडलायुक्त जन नालेकर, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे, मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह सहित संबंधित अधिकारी गण एवं अन्य जन उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए समाज कल्याण मंत्री प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, Thank you.
योजना शुभारंभ मनाया और मंच पर विराजमान वो भारतीय नारी की अस्मिता और तेजस्विता और सुदृढ़ता के प्रति शीर्ष पर प्राचीन महिलाएं जिनका आशीर्वाद इन बच्चियों को महिला के मन बाल विकास कल्याण से उत्तम जय चौहान प्रज्ञा दुबे
हमको लगता है उत्तर प्रदेश के 75 जिले में कार्यक्रम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी
कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पैदा होने से लेकर के और उसके शादी तक की व्यवस्था करने के लिए सारी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री ने तय किया है। और जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति गरीब आदमी जो अपनी सुविधा नहीं कर सकता था, तो इसलिए वहाँ से लेकर के जन्म से लेकर के और पढ़ाई लिखाई तक की सारी सुविधा देने के लिए योजना की है। यह आज 75 जिले में सब जगह हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत। 8,500 लोग और अच्छा है काम भी बहुत बढ़िया है। हम तो लगता है कि ये शुरुआत हुआ है, आगे आने वाले हम हर घर में जाएंगे, जो 3 लाख की आमदनी से कम वाले हैं उस हर घर में जाएंगे, उनकी सुविधा करेंगे।